चलिए, हमारे पास जो है टॉपिक है आज का डिफ्रैक्शन मेथड, जो कि आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स का सेकंड लेक्चर है। ठीक है, ऑलरेडी हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पे पार्ट वन कर चुके हैं, जो कि आपके ऐप में एप्लीकेशन में अपलोड हुआ है। ठीक है, आप लोग जो लोग इस वीडियोस को देख रहे हैं, तो आप लोगों को मैं बता दूं, यहाँ पर आपके लिए KBS और UKPSC जितने भी PGT फिजिक्स जो है एग्ज़ाम के लिए ये वीडियोस बेनिफिशियल है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ABC एकेडमी करके एक ऐप है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ आपके पास फ्री कंटेंट भी अवेलेबल है और साथ ही साथ पूरा कोर्स भी अवेलेबल है। ठीक है, ठीक है, चलिए तो हम डिफ्रेक्शन मेथड की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम एक्सरे डिफ्रेक्शन की, देन बात करेंगे हम न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन की, देन बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन, और हम ये भी देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंस आता है और एक्सरे कहाँ कहाँ यूज होता है। तो UKPSC लेक्चरर में जहाँ पर क्वेश्चन आए थे, जो जो क्वेश्चन आए थे, वो भी हम आपको इसमें कराएंगे। सबसे पहले हम एक्सरे डिफ्रेक्शन की बात करते हैं। तो एक्सरे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी वेवलेंथ एंगस्ट्रम ऑर्डर की होती है। क्या होती है? एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग वेवलेंथ इज एंगस्ट्रम ऑर्डर। ठीक है, जिसका ऑर्डर क्या होता है? एंगस्ट्रम होता है वेवलेंथ। अब देखिए क्या कहानी है। यह आपके पास कोई एटम है जिसके पास न्यूक्लियस है, इसके बाहरी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होता है जब प्राइमरी सोर्स, यानी मान लीजिए कहीं से एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट, क्योंकि एक्सरे इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो एक्सरे इंसिडेंट हो रहा है। अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस एक्सरे को ऑब्जर्व करेगा और वाइब्रेट करेगा। जब भी वाइब्रेट करेगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करेगा, यानी एक्सरे को ऑब्जर्व किया, वाइब्रेशन हुआ और एक्सरे को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। यानी ये जो एमिटेड एक्सरे निकली आपके पास, जो रिफ्लेक्ट हुई, यहां से एमिट हुई है, वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रही है कि क्या है सोर्स से कितनी एक्सरे आ रही, वो इस बात पर आ रही कि इस सेकेंडरी, यानी ये जो एमिटेड एक्सरे है, एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसके लिए ये सोर्स है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है आपके पास? सोर्स है। क्या है ये इलेक्ट्रॉन? सोर्स है। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, क्यों ऐसा होता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक्सरे को एमिट करता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है। क्या है? चार्ज पार्टिकल। तो जब भी कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक्सरे यानी क्या करता है, एक्सेलरेट करता है, तो वो क्या करता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को एमिट करता है। यानी इलेक्ट्रॉन इज अ चार्ज पार्टिकल, सो इफ इट एक्सेलरेट देन एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, चलिए, और इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? देखिए, यहां से प्राइमरी सोर्स से आया एक्सरे, इसने ऑब्जर्व किया और क्या किया, यहां से क्या हुआ, एमिटेड हुआ। तो इस जो एमिटेड एक्सरे हैं, इसके लिए ये सोर्स है, इस सोर्स को क्या बोला गया, सेकेंडरी सोर्स। और इस पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है स्कैटरिंग बाय अटोमिक इलेक्ट्रॉन। क्या बोला जाता है? स्कैटरिंग बाय अटोमिक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इस चीज को एक्सप्लेन ब्रेक्स ने किया। ठीक है, इस चीज को कैसे है, एक्स किसको, ये जो फिनोमिना हुआ था जो हमने ऊपर एक्सप्लेन किया है, इसको ब्रेग ने एक्सप्लेन किया था। लेट्स सपोज ये क्या, आपके पास एक क्रिस्टल है, इस पे आपने एक्सरे इंसिडेंट कराई और ये क्या हुआ, एमिट हो गया, और यहां पर हमने एक डिटेक्टर लगाया जिससे हमने डिटेक्ट किया, और क्या है कि क्या है, आपके पास ये इंसिडेंट हुआ और ये एमिटेड हुआ। ठीक है, यहां से एमिट, तो ये क्या हुआ, देखो ये इंसिडेंट थी, जानी ऐसी चाहिए थी, लेकिन ये एमिटेड ऊपर हो गया। तो ये जो इंसिडेंट एंगल है, इसको ब्रेक्स ने अपने ही नाम पर रखा, इसको बोलते हैं ब्रेक्स एंगल। और ये जो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, जो ये रिफ्लेक्टेड है, ठीक है, इन दोनों के बीच बने एंगल को ही डिफ्रेक्शन एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्रेक्शन, जो कि क्या है, इस इंसिडेंट एंगल का यानी ब्रेक्स एंगल का दोगुना होता है। ठीक है, अब क्या है आपके पास, ये क्रिस्टल है, ये क्रिस्टल है, तो ब्रेक्स ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा, ब्रेक्स ने क्या कहा कि क्रिस्टल में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो एज अ पैरेलल प्लेन होता है। कैसे होता है?
एज अ पैरेलल प्लेन होता है। तो ब्रेक्स ने इसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या कहा कि ये जो क्रिस्टल है इसमें जो एटम का अरेंजमेंट होगा वो एज अ पैरेलल प्लेन है। देखिए पैरेलल प्लेन है और इन प्लेन के बीच के डिस्टेंस को इंटरप्लेनर स्पेसिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटरप्लेनर स्पेसिंग, जिसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया इनके लिए। और ये जो एटम है, ये देखिए ये एटम है, इनके बीच की डिस्टेंस को लैटिस पैरामीटर यानी ए बोलते हैं, जिसको ए। अब यहां पर एक बात समझिए, ब्रेक्स जो लॉ है, ब्रेक्स जो इस फिनोमिना को एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ये तभी वैलिड है जब दो पैरेलल, यानी जब पैरेलल दो हो या उससे ज्यादा भी हो सकती है, जब दो पैरेलल एक्सरे इंसिडेंट हो। अब इन्होंने क्या कहा, देखिए कि पहली एक्सरे मान लीजिए इस एटम पर इंसिडेंट हुई, मैं इसको जूम कर देता हूं। अब देखिए यहां पर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, यहां से क्या हुई रिफ्लेक्ट। दूसरी एक्सरे इस प्लेन के इस एटम पर इंसिडेंट हुई और ये भी क्या हुई रिफ्लेक्ट। अब इन दोनों प्लेन के बीच यानी दोनों रेज के बीच पाथ का डिफरेंस क्या है, ये इंसिडेंट एंगल है जिसको ब्रेक्स ने अपने नाम पर रख दिया। अब पाथ का डिफरेंस क्या है, सबसे पहले क्या किया हमने, दो नॉर्मल इंसिडेंट किए, ओ पॉइंट से बी और ए दो नॉर्मल ड्रॉ किए। अब आपको पता ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है तो ये वापस से थीटा आ जाएगा। अब देखिए ये थीटा हो गया, ये क्या है आपके पास, ये थीटा हो गया, ये डी है इंटरप्लेनर स्पेस, तो यहां से हम साइन थीटा इक्वल टू क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंडस। इस परपेंडिकुलर ये जो है इसको वैल्यू मान लीजिए एक्स रख दी साइन थीटा। अब जानते हैं आप साइन थीटा का वेल फॉर्मूला तो ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, हिंदी में बोलते लल्ला बटे कक्का, ठीक है लाल बटे कक्का सॉरी, ठीक है तो लल्ला बटे कक्का आई थिंक ए होता है हिंदी में, ठीक है हाइपोटेंडेंस परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेंडेंस। तो हाइपोटेंडेंस जो है ये वाली क्या है आपके पास डी आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू डी साइन थीटा। ये तो आ गई इस ट्राइंगल की बात, सिमिलरली इस ट्राइंगल की बात भी तो है आपके पास, तो यहां पर भी क्या आ जाएगा ये भी डी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो अब जब दो रेज आपको जानते हैं, जब दो रे निकलती है कोई भी दो बीम निकलती है तो कहीं ना कहीं ये क्या बनाएगी, इंटरफेरेंस बनाएगी, क्योंकि दो वेव का जुड़ना ठीक है क्या कहलाता है इंटरफेरेंस। अब ये इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा ये किस बात पर डिपेंड करता है, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड करता है। हमको इंटेंसिटी चाहिए यानी पीक चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, डिस्ट्रक्टिव में तो आपके पास पीक नहीं मिलेगी। तो पाथ डिफरेंस इस रे ने, इस सेकेंड जो रे है आपके पास ये, इसने कितना एक्स्ट्रा डिस्टेंस चला 2d sin थीटा, d sin थीटा ये d sin थीटा ये 2d sin थीटा, तो यही तो पाथ का डिफरेंस है इन दोनों रेज के बीच, ठीक है यही तो पाथ का डिफरेंस। और फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, क्योंकि दो वेव है जुड़ेगी कहीं ना कहीं, तो पाथ डिफरेंस कंस्ट्रक्टिव के लिए n लैम्डा होता है, जानते हैं आप लोग ऑप्टिक्स में हमने पढ़ाया। तो पाथ डिफरेंस की वैल्यू रख दीजिए 2d साइन थीटा एन लैम्डा, इसको ही क्या बोलते हैं ब्रेक्स लॉ बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे ब्रेक्स लॉ बोलते हैं। अब जहां पर डी क्या है इंटरप्लेनर स्पेस है, दो प्लेन्स के बीच की दूरी, थीटा क्या है ब्रेक्स एंगल, लैम्डा क्या है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एन क्या है ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, देख सकते हैं आप लोग n इज अ ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन, क्या है n इज ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन। बाकी बातें तो ठीक है पर ये ऑर्डर हम और एक्सप्लेन करते हैं कि क्या है ये ऑर्डर ऑफ। देखिए अगर लेट सपोज आपके, हम क्या लेते हैं डिटेक्टर की स्क्रीन ले लेते हैं, ठीक है ये डिटेक्टर है आपके पास, ठीक है डिटेक्टर की स्क्रीन ले ली आपने, जो डिटेक्टर था ऊपर बनाया हमने, ये देख लीजिए एक बार मैं दिखा देता हूं आप लोगों, ये जो डिटेक्टर था ना यहां डिटेक्ट कर रहा था, ये
इसको हमने क्या कर लिया, इसकी स्क्रीन को यहां पर लेके आए हम लोग। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, एनालाइज करना चाह रहे हैं। हमने कहा कि इस ब्रेक्स में जब मैंने एन की वैल्यू वन रख दी तो हमको एक पीक मिलेगी, दो एन की वैल्यू दो रख दी तो दो पीक मिलेगी, यानी इसको बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफ्रेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर डिफ्रेक्शन। ऐसे तीन रख दी तो तीन पीक मिलेगी, 14 रख दिया या 15 रख दिया, मान लीजिए 15 रख दिया तो हम यहां पर तो 15 पीक मिल गए, 20 रख दिया तो 20 पीक मिल गए। प्रॉब्लम कहां पर आती है, प्रॉब्लम आ जाती है जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो नंबर ऑफ पीक्स भी बढ़ेंगे, एक टाइम आएगा जब इन इनके बीच का सेपरेट नहीं कर पाओगे। अब सेपरेट नहीं कर पाओगे तो एनालाइज क्या करोगे, अब आप जानते हैं एक्सआरडी क्यों करता है, अभी यूज भी देखेंगे हम कि क्यों करते हैं, क्यों एक्सरे, जो आपने एक्सरे डिफ्रेक्शन पढ़ा उसको क्या यूजेस है उसके, क्यों करते हैं। तो जब आपके पास इसके बहुत सारे पीक आ जाएंगे ना तो इसको एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा। जब आप उसको, उस सरफेस को, उस क्रिस्टल को स्टडी नहीं कर पाओगे तो आपका एक्सरे किसी काम का नहीं, यानी उस क्रिस्टल, उस सरफेस की प्रॉपर्टी जानने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, उसको एनालाइज करने के लिए, आगे पढ़ेंगे भी हम लोग। तो यानी प्रॉब्लम यहां पर ही आ जाती है कि जैसे जैसे एन की वैल्यू आगे बढ़ेगी पीक के बीच का सेपरेशन कम होगा, बहुत कम, यानी आप सेपरेट, एक कंडीशन ऐसी आएगी जब सेपरेट नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए आगे इंट्रोड्यूस होती है ब्रेक्स कंडीशन, ब्रेक्स ने जो कंडीशन दी। तो ब्रेक्स कंडीशन क्या कहती है आपके पास, कि ये ब्रेक्स लॉ है, 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। अब यहां से क्या किया हमने, इस 2d को एन लैम्डा के नीचे लेके गए, तो नहीं, एन लैम्डा अपॉन 2d इक्वल टू साइन थीटा। अब एक चीज जानते हैं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी होती है, वन होती है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो यहां पर लिख दूं मैं तो एन लैम्डा बाई 2d लेस देन और इक्वल टू वन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है आपके एग्जाम में, UKPSC में खासकर ध्यान रखना, LT लेक्चरर जिसमें भी है आपके पास ये वैल्यू पूछी जाती है कि ब्रेक्स की कंडीशन बताइए और एक फॉर्मूला ये होगा, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए। वैसे भी सिंपल है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, वन से ग्रेट वन होती है। अब यहां पर हम क्या करते हैं, इस चीज को और समझने के लिए, क्यों समझने के लिए, इस चीज को समझने के लिए कि ये लैम्डा, देखिए अगर मैं यहां से इसको इसके नीचे लेके जाऊं, मान लीजिए मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करता हूं, देख लीजिए यहां पर कि मैं मान लीजिए इसको इक्वल के कहने के इक्वल लग दिया, और अगर मैं लेट सपोज देखिए यहां पर 2d एन लैम्डा इक्वल टू टू, देखिए ये देखिए लैम्डा और n, अगर मैं यहां से इसको नीचे लेके जाऊं, इसको 2d को ऊपर लेके गए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो आपको ये दिख रहा होगा जब आप इसको डिक्रीज कर रहे हैं, लैम्डा को डिक्रीज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। कैसे किया हमने, आप लोग इसको समझ पा रहे हैं क्या किया हमने, सिंपली क्या क्या किया, देखिए इस 2d को ऊपर ले गए, एन लैम्डा नीचे आ जाएगा, इक्वल टू वन आ गया, ठीक है। अब यहां से एन को ऊपर ले गया मैं इसके साथ, लैम्डा नीचे रहा, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्या है, एक दूसरे के प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब लैम्डा को डिक्रीज कर दिया तो ये इंक्रीज हो गई, यानी ये प्रॉब्लम फिर से आ गई कि अब अगर ऑर्डर बढ़ता जाएगा, एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो ये तो सेम प्रॉब्लम ही आ गई, पीक बहुत सारे आएंगे, एन की वैल्यू बढ़ी, लैम्डा डिक्रीज की, पीक की वैल्यू बढ़ी, अब आप उस चीज को एनालाइज नहीं कर पाओगे, क्या है, उस चीज को आप एनालाइज नहीं कर पाओगे, तो प्रॉब्लम ही आ गई कहीं ना कहीं। इस लैम्डा की वैल्यू क्या है, देखो लिखा एज ए लैम्डा डिक्रीज ऑर्डर ऑफ डिफ्रेक्शन इज इंक्रीज, यानी एन की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जैसे जैसे लैम्डा डिक्रीज करोगे। अब ये प्रॉब्लम आ गई कि इससे क्या बेनिफिट होगा, और जब एन की वैल्यू बढ़ेगी तो ये सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा, इसका मतलब एक कंडीशन लगेगी, ये लैम्डा की भी एक मिनिमम वैल्यू होगी, इस लैम्डा की भी एक मिनिमम वैल्यू होगी, ठीक है, वो कितनी होगी, तो अगर मैं एन की वैल्यू वन रख दूं, फॉर एन इक्वल टू वन, तो यहां पर वन रख दूं पर, तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा लेस देन
और इक्वल टू 2d, यानी वेव लेंथ ऑफ एक्सरे, यानी एक्सरे की जो वेव लेंथ है लेस देन डबल ऑफ इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ये जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग है, जो दो प्लेन के बीच की दूरी थी, ये जो डी थी, इसके दुगुने से कम होना चाहिए, इसके दुगुने से कम होना चाहिए, लेस देन क्या होना चाहिए, इसके दुगुने से। ये क्या गई लैम्डा के ऊपर कंडीशन। लैम्डा ऐसा नहीं कि आप डिक्रीज करते जाओगे, ये लैम्डा के ऊपर कंडीशन आ गई कि लैम्डा की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इससे लेस होगी 2d। डी क्या है, इंटर प्लेनर स्पेस, क्या है, इंटर प्लेनर स्पेस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, हम ब्रेक्स लॉ की देखते हैं। अगर मैं यहां पर ब्रेक्स लॉ बात करता हूं, तो ब्रेक्स लॉ आपका है 2d sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो क्या है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर 4d स्क्वायर। ठीक है, 4d स्क्वायर क्या किया हमने, कुछ ने स्क्वायर किया और इसको इसके नीचे ले गए, एन स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर। अब मान लीजिए आप ऑर्थोरॉम्बिक लैटिस की बात करते हैं। हमने पहले लेक्चर में बताया आपको 7 टाइप के क्रिस्टल बताए थे, क्यूबिक बताया था, टेट्रा क्या है, ऑर्थोरॉम्बिक, हेड क्या है, हेक्सागोनल, ठीक है, और क्या क्या पढ़ाए थे, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, है ये सब 7 प्रकार के हमने क्रिस्टल पढ़ाए थे। उनके साथ साथ हमने ये कंडीशन भी बताई थी, ए बी किस में इक्वल नहीं होता है, किस में होता है, जैसे मान लीजिए सिंपल क्यूबिक की, तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हमने बताया था आपके पास, ठीक है। जिनको नहीं समझ आ रहा, तो ऑर्थोरॉम्बिक में जो साइड होते हैं ना आपके ए बी, देखिए क्या है, बताया होगा हमने आपके पहले लेक्चर में कि ये क्या है, ये मान लीजिए कोई क्यूबिक, देखिए ऐसा क्यूब है, तो क्या है इसकी पोजीशन है, जो एटम की पोजीशन है यूनिट सेल में, उनको बताता है ए बी सी, ये एक्स वाई, ये क्या है आप, ये नहीं सॉरी ए बी और सी, और ये क्या हो जाएगा अल्फा बीटा और गामा, ये एंगल है, ठीक है, ऐसा होता है, यानी एटम की जितनी पोजीशन है उनको बताता है, ठीक है, इनको बताता है, ठीक है, यानी ये ए हो गया तो ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो जो आपके पास ऑर्थोरॉम्बिक होता है उसमें जो साइड होता है ना, वो तीनों साइड इक्वल नहीं होते, ए बी सी इक्वल नहीं होता। तो हमने क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग जानते हैं आप, इंटरप्लेनर स्पेसिंग का फॉर्मूला हमने लिखवाया होगा कि डी इक्वल टू 1/√h² / a² प्लस k² / b² प्लस l² / c². तो यहां से 1/d, तो ये ऐसा आ जाएगा आपके पास। h के l क्या है, मिलर इंडिसेस, किसके मिलर इंडिसेस, उस प्लेन के जहां पर एटम एग्जिस्ट, यानी एटम है, यानी उस प्लेन के मिलर इंडिसेस है जहां पर एटम है। और ये a और b और c क्या है, ये उन एटम की क्या है, पोजीशन है, क्या है, उन एटम की पोजीशन है, ठीक है, मिलर क्या है, मिलर इंडिसेस क्या है, उस प्लेन में जहां पर क्या है आपके एटम पाए जा रहे, उसके मिलर इंडिसेस है, ठीक है, एच के एल मिलर इंडिसेस है, ए बी सी क्या है आपके पास, उन एटम की पोजीशन है। तो अगर मैं यहां पर ऑर्थोरॉम्बिक की बात करता हूं, तो 1/d स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा 1/d की वैल्यू, देखो 1/d की वैल्यू है, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ, स्क्वायर करेंगे अगर दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, ये हट जाएगा, तो ऐसा आ जाएगा, यहां से साइन स्क्वायर की थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 1/d की वैल्यू रख देंगे आपके पास इतना आ जाएगा। अगर मान लीजिए क्यूबिक क्रिस्टल की बात कर लेते हैं, क्यूबिक में क्या होते हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, मतलब क्यूबिक में क्या होता है, सिंपल क्यूबिक, ऐसे ही तो लिखते हैं आप, सिंपल क्यूबिक ऐसे बनता है आपके पास, सिंपल क्यूबिक, ठीक है, ऐसे सिंपल क्यूबिक। तो यानी ये जो मान लीजिए ओरिजिन है ये, ठीक है, तो इससे ये ए, ठीक है, और ये जो बी है, ये बी है, और एक क्या है आपके पास सी होगा, ये बाहर की ओर, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे, सिंपल क्यूबिक में तीनों साइड इक्वल, ठीक है, ये मान लीजिए ओरिजिन है, जीरो पर, जीरो जीरो पर, तो इससे ए बी और सी क्या है, तीनों इक्वल, मतलब क्या है, ए बी, मान लीजिए अगर मैं इसकी डिस्टेंस ए बोलूं तो ये भी ए पर होगा, ये वाला पॉइंट, यानी ये एटम भी ए डिस्टेंस पर होगा, ये वाला एटम भी ए डिस्टेंस पर, और ये वाला एटम भी ए डिस्टेंस पर,
सिंपल क्यूबिक में क्या होते हैं, तीनों बराबर दूरी पर। तो यहां पर रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर जब मैं वैल्यू रखूंगा तो ए को कॉमन ले लूंगा, ये भी ए है ये भी ए हो जाएगा, ये क्योंकि तीनों इक्वल है, ए को कॉमन, तो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये एच के एल क्या है, ये है मिलर इंडेक्स। क्या है, मिलर इंडेक्स। तो एज द हाइट ऑफ पीक, देखिए चलिए नेक्स्ट आपके पास कि अगर इंटेंसिटी और डिफ्रेक्शन एंगल, यानी डिफ्रेक्शन एंगल के बीच जो ये ग्राफ बनता है ना, जिसकी पीक, जिस पीक की हाइट जितनी होगी उसकी इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। ये मान लीजिए ये सबसे ज्यादा, तो इस पीक की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा है, देख लो इस पीक की। यानी एज द हाइट ऑफ पीक इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑल्सो इंक्रीज, इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम समझते हैं, ठीक है। अब समझिए यहां पर एक्सरे, मान लीजिए क्वेश्चन है, ठीक है, एक्सरे ऑफ वेवलेंथ इक्वल टू, वेवलेंथ दे रखी है एक्सरे की कितनी, ए दे रखी, एक एक्सरे है जिसकी वेवलेंथ आपको दी, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम प्लेन वन वन, इस प्लेन से रिफ्लेक्टेड होती है कोई, यानी ये वन वन का क्या मतलब हुआ, ये वन वन का मतलब ये हुआ कि आपके पास क्या, ये क्या दे रखा है, एच के एल की वैल्यू दे रखी है, ये प्लेन बोला है ना, तो ये उस प्लेन के मिलर इंडेक्स है ऑफ क्यूबिक लैटिस, साथ में क्या बोला, क्यूबिक, क्यूबिक लैटिस। इफ लैटिस कांस्टेंट ए, अगर लैटिस कांस्टेंट ए दे रखा है, द क्रॉसपोंडिंग ब्रेक एंगल इज, तो उसके क्रॉसपोंडिंग ब्रेक एंगल कितना होगा, ये आपके पास कंडीशन, ये कौन सा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि अगर क्यूबिक क्रिस्टल है तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। अब अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है और लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है आपके पास, कितनी है लैम्डा की वैल्यू, ए दे रखी, तो ब्रेक्स लॉ जानते हैं आप कितना होता है, टू डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, यानी हमको ये डी निकालना है। तो D कितना होता था, अभी पढ़ा हमने ऊपर D का फॉर्मूला, D इक्वल टू वन अपॉन अंडर रूट, देखिए वो वन अपॉन D लिखा था इसलिए ये ऊपर गया था, ये वन अपॉन अंडर रूट एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस के स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपॉन क्या है, सी स्क्वायर। तो D कितना हो जाएगा आपके पास, कितना, अब देख लीजिए एच के एल की वैल्यू ये है, ए बी सी क्यूबिक बोला तो तीनों इक्वल है, तो मैंने मान लीजिए तीनों के जगह ए ए रख दी, अब वन बाई ए कॉमन ले लो तीनों में से, क्योंकि रूट है तो स्क्वायर कट के ए आ जाएगा, अंडर रूट में इन सब की वैल्यू वन रख दू तो ये ए ऊपर चले जाएगा, ये वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू रूट, रूट से, ठीक है। तो डी आ गया आप आपके पास, अब डी आ गया तो डी की वैल्यू जब मैं यहां पर रख देता हूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, d की वैल्यू a बाई रूट थ्री इक्वल टू कितना, लैम्डा की वैल्यू ऑलरेडी वन, कितनी देर की a, n कहां गया कि n की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर माना आपने वन, तो यहां से a कैंसिल हो गया, साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री बाई टू, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60, 60 को क्या लिखते हैं, पाई बाई थ्री, कितना लिखते हैं, पाई बाई थ्री, तो कितना हो जाएगा आपका आंसर, इसमें लिखा होगा आपके पास पाई बाई थ्री इज करेक्ट ऑप्शन, पाई बाई थ्री इज अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए क्लियर है, चलिए नाउ हम बात करते हैं सेकेंड डिफ्रेक्शन, सेकेंड और थर्ड दोनों एक साथ हम डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। सेकेंड है आपके पास, सेकेंड है आपके पास, थोड़ा सा जूम कर देता हूं मैं, चलिए ठीक है, इतना ठीक होगा, हाँ जी ठीक है। अब है फर्स्ट तो हमने पढ़ लिया था डिफ्रेक्शन एक्सरे, अब न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन और इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन की भी बात करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि एक्सरे डिफ्रेक्शन, चलिए कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्सरे न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉसपोंडिंग टू एंगस्ट्रम ऑर्डर,
वन एंगस्ट्रॉम ऑर्डर, किसके क्रॉसपॉन्डिंग, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर के क्रॉसपॉन्डिंग, वन एंगस्ट्रॉम की बात करते हैं, इसके क्रॉसपॉन्डिंग हम एनर्जी कैलकुलेट कर देते हैं, नॉर्मली हमको डिफरेंस समझ आ जाएगा। देखिए एक्सरे जो डिफ्रेक्शन हमने अभी पढ़ा, इलेक्ट्रॉन डिफ्रेक्शन हमने कब पढ़ा, डेविसन और जर्मर एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, पढ़ा था हमने, पढ़ाया था आपके पास जब हम क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ रहे थे। न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन हमने नहीं पढ़ाया, अभी अभी समझ आएगा हमको क्या डिफरेंस है तीनों में। अब हमने क्या कहा कि लैम्डा इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम है, लैम्डा इक्वल टू वन एंगस्ट्रॉम के क्रॉसपॉन्डिंग देखते हैं हम कि इन तीनों की एनर्जी क्या क्या आ जाती, क्या क्या आती, ठीक है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एक्सरे न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन क्रॉसपॉन्डिंग टू वन एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ सेम कर दी। अब मान लीजिए एक्सरे की एनर्जी ई एक्स है, न्यूट्रॉन की ई एन है, इलेक्ट्रॉन की ई। अगर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन की कितनी ऊर्जा थी, एच सी बाय लैम्डा, एच सी बाय लैम्डा कितनी आ जाती है, एच सी बाय लैम्डा। अब हमने ये आपके पास एक्सरे स्पेक्ट्रम जब पढ़ाया होगा, जहां पर मोज़ले लॉ भी करवाया होगा, आपके पास क्या है, क्या है आपके पास कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे और कंटिन्यूस एक्सरे का डिफरेंस भी बताया था, ठीक है। वहां पर हमने बताया था कि लैम्डा मिनिमम कितना होता, वहां से निकल जाते हैं एच सी बाय, देखिए ई इक्वल टू कितना एच न्यू होता है, न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा, ये लैम्डा इज अ मिनिमम लैम्डा होता है, वहां पर भी हमने आपको बताया। देखिए न्यूट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, एनर्जी पी स्क्वायर बाय एम एन, ट्वाइस एम एन, यानी क्या होता है P इक्वल टू कितना होता है, एनर्जी इक्वल टू कितना होता है यहां पर P स्क्वायर बाय ट्वाइस M, M इज ए मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के केस में क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्या हो जाएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन डी ब्रॉग्ली की हाइपोथेसिस से हमने पढ़ा P इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा होता है, क्या होता है P अपॉन एच अपॉन लैम्डा, जब इसकी वैल्यू रखेंगे यहां पर P की वैल्यू तो एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर। अब अगर मैं इसको इफ अगर मैं कहूं कि देखिए तीनों की एनर्जी आ गई, ये एक्सरे की आ गई, ये न्यूट्रॉन की आ गई, इसमें भी रख सकते हैं आप, देखो यहां पर भी तो रखा है, आप बोलेंगे न्यूट्रॉन ने अलग क्या किया, दोनों के लिए अब डी ब्रॉग्ली कंसेप्ट जानते हैं आप, जानते हैं लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी आया था डी ब्रॉग्ली की हाइपोथेसिस, क्वांटम में हमने पढ़ाया आपके पास, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस ये है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहां मास ऑफ न्यूट्रॉन। इफ लैम्डा सेम है, अगर लैम्डा सेम है, इसमें भी सेम है, ये भी सेम है, वन एंगस्ट्रॉम माना आपने, ई एक्स ई एन आर डिफरेंट, क्यों, क्योंकि ये मास अलग है, ये मास अलग है, तो एनर्जी क्या क्या आ रही है, डिफरेंट आ रही है। अगर लैम्डा सेम भी मानो तो एनर्जी डिफरेंट आ रही है, क्यों, यहां पर मान लीजिए देखिए कैसे डिफरेंट आती है। देखिए सबसे पहले एच सी, एच की वैल्यू रख दी 6.6 10 टू दी पावर माइनस 34 3 इंटू 10 टू दी पावर 8, ये आ गई किसकी स्पीड ऑफ लाइट, ये वेव लेंथ रख दिया वन एंगस्ट्रॉम, तो इसकी लगभग एनर्जी कितनी आ गई, इतनी जूल आ गई, ठीक है। अब देखिए कि अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करता हूं, न्यूट्रॉन की बात करता हूं, तो एच स्क्वायर 2 इंटू ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन, इतना मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इसके साथ साथ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर, तो इसकी कुछ और वैल्यू आएगी। और यहां पर क्या है, देखो ये 9 पॉइंट, यहां पर दोनों डिफरेंट आ गए, इसकी कुछ और वैल्यू आ गई, पता चल गया आपको लैम्डा सेम रखने के बाद भी आपके पास क्या है, आपके पास क्या है, एनर्जी सेम नहीं आ रही, डिफरेंट आ रही, न्यूट्रॉन के क्रॉसपॉन्डिंग अलग है, इलेक्ट्रॉन के क्रॉसपॉन्डिंग अलग है, एक्सरे के क्रॉसपॉन्डिंग अलग है, ठीक है। चलिए तो डिपेंड्स ऑन एनर्जी दीज डिफ्रेक्शन आर यूज्ड फॉर डिफरेंट एनालाइज। अगर एनर्जी डिफरेंट होने के वजह से जो हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं डिफरेंट एनालाइज करने के, डिफरेंट डिफरेंट एनालाइज करने के लिए, क्या क्या एनालाइज की बात करेंगे,
अगर मैं एक्सरे की बात करता हूं, एक्सरे की बात करता हूं, तो एक्सरे क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1/v, ट्यूब वोल्टेज जिसको बोलते हैं, तो और लैम्डा इक्वल टू √v, ये क्या है, वोल्टेज है, इज करेक्ट, वेयर वी इज अ ट्यूब वोल्टेज। वहीं पर बात करता हूं मैं, अगर लैम्डा इलेक्ट्रिक वोल्ट में, ये इलेक्ट्रॉन के केस में होगा, इलेक्ट्रॉन के केस में भी सेम ही होगा, ट्यूब वोल्टेज रूट ऑफ ट्यूब वोल्टेज, ठीक है, क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ट्यूब वोल्टेज। न्यूट्रॉन के केस में क्या, देखो न्यूट्रॉन के केस में तो नहीं हो सकता ना ऐसा, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि नो डिपेंड्स ऑन लैम्डा ऑन वी, न्यूट्रॉन के केस में लैम्डा क्या है, लैम्डा पर भी डिपेंड नहीं करता, लैम्डा तो सेम ले लिया आपने, वी पर भी डिपेंड नहीं करता, क्योंकि ये क्या है, चार्जलेस पार्टिकल, ठीक है, कैसा है, चार्ज, बट इट दे कैन बी एक्सेलरेटेड बाय थ्रू टेम्परेचर, किसके थ्रू एक्सेलरेट किया जा सकता है इसको, टेम्परेचर के थ्रू, समझ गए, न्यूट्रॉन चार्जलेस है, उसके वो वी पर भी डिपेंड नहीं कर रहा, लैम्डा पर भी, तो किस पर डिपेंड कर, किससे एक्सेलरेट किया जा सकता है उसको, किससे एक्सेलरेट किया जा सकता, टेम्परेचर, इसीलिए जो एनर्जी आएगी, जो आपके पास एनर्जी आएगी, क्योंकि क्या है आपके पास, ये कहां से आया पता चला आपको, ये लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन ट्वाइस एम ई, कहां से पता चला आपको, लैम्डा इक्वल टू क्या है आपके पास, लैम्डा इक्वल टू है, देखिए लैम्डा इक्वल टू एच, लैम्डा इक्वल टू कितना है, देख लीजिए लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, एच अपॉन पी। अब आप जानते हैं, अभी अभी पढ़ा आपने, E इक्वल टू कितना, पी स्क्वायर बाई ट्वाइस एम, अगर ये मास ऑफ न्यूट्रॉन है तो ये न्यूट्रॉन की एनर्जी है, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट इधर जाएगा ये ट्वाइस ऑफ कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ एम एन, ये ई एन आ जाएगा, ई एन आ जाएगा, ठीक है, तो P की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे ऊपर यहां पर, तो ऐसा लैम्डा आ जाएगा आपके पास, कुछ नहीं किया इसको, लिया रूट ले लिया, ठीक है। तो आप जानते हैं ये थ्री डायमेंशन में एनर्जी कितनी होती है, जब आप यहां पर रखोगे थर्मल एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा था हमने, कितना आ जाता, ये आ जाता 3/2 kV, कितना आ जाता 3/2 kV, के इज अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, टी इज अ टेम्परेचर, थ्री डायमेंशन की बात कर रहे ना, क्यों बोल रहे हो थ्री डायमेंशन, क्योंकि इको पार्टीशन थ्योरम पढ़ा होगा आपने, थोड़ा स्पीड से हो रहा है, थोड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ठीक है, चलिए इको पार्टीशन थ्योरम से क्या है, इको पार्टीशन थ्योरम क्या कहती है, कि जो एनर्जी है एवरेज इंटर क्या है, थर्मल एनर्जी, वो एफ बाई के हाफ के बी टी ईच डिग्री के साथ कितनी होती है, इतनी एसोसिएटेड होती है, एफ इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, थ्री डायमेंशन है तो किसकी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, थ्री, इसीलिए एनर्जी कितनी आ गई, 3 kV, K इज अ बोल्ट्जमैन कॉन्स्टेंट, तो यही थर्मल एवरेज एनर्जी, ठीक है, क्या है, थर्मल एवरेज एनर्जी, तो इस चीज को मैं यहां पर रख दूंगा तो इसके लिए लैम्डा आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू यहां पर रख दूंगा तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, तो ये किसके लिए था, न्यूट्रॉन के लिए, ठीक है, न्यूट्रॉन के लिए, क्लियर है, क्या किया हमने, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, ये तो इलेक्ट्रॉन के लिए तो आप समझते हैं ट्यूब वोल्टेज पे, अब हमने किया भी ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितना, ये तो क्या था, लैम्डा इक्वल टू 12.25/√v, वी इज ए वोल्टेज, ठीक है, पोटेंशियल जिसको, यही तो क्या था, तो ये भी तो रूट ऑफ बी है, और ये भी तो ट्यूब वोल्टेज, ये भी तो क्या है, ये भी तो करेक्ट है इसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए इसकी वेव लेंथ कितनी आती है, 1.68 के आसपास आ जाती है इलेक्ट्रॉन के लिए, इसकी भी ऑन एवरेज 1.6 या कितना आ जाती है 69, तो इसकी 1.68 आ जाती है, ये किससे, जब 54 वोल्ट पे देखते हैं ना आप इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इससे मैच कर जाती हो, ठीक है, ठीक है, चलिए ठीक है, तो कुछ नहीं, यहां पर लैम्डा जब आया हमने कहां से लिख दिया, यहां से लिख दिया, तो एनर्जी की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये एक्सेलरेट होता है न्यूट्रॉन
टेम्परेचर के वजह से, किसके वजह से, टेम्परेचर के वजह से, ठीक है, किसके वजह से होता है, एक्सेलरेट होगा टेम्परेचर के वजह से, ठीक है, किसके वजह से एक्सेलरेट होता है, किसके वजह से एक्सेलरेट होता है, टेम्परेचर के वजह से, ठीक है, किसके वजह से एक्सेलरेट होता है, टेम्परेचर के वजह से, ठीक है। चलिए अब यूज देखते हैं, यूज इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए, यूज क्या है, एक्सरे डिफ्रेक्शन का यूज क्या होता है, एक्सरे यूज इन क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर, यूज एक्सरे डिफ्रेक्शन यूज इन क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, ठीक है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन। हालांकि ये बात यहां तक प्रूफ नहीं, और भी चीजें आप इसकी फाइंड कर सकते, यानी किसी क्रिस्टल लैटिस का स्ट्रक्चर कैसा है उसको डिटरमाइन कौन करता है, एक्सरे कौन, ठीक है। न्यूट्रॉन का क्या होता है, डिटरमाइंड मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, कौन सा स्ट्रक्चर, मैग्नेटिक, ये कौन सा करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक्सरे। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डिटरमाइन द सरफेस मॉर्फोलॉजी, सरफेस मॉर्फोलॉजी जानते हैं, इज यूज टू सरफेस स्टडी ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल की सरफेस की मॉर्फोलॉजी क्या है, ठीक है, उस चीज की स्टडी कौन करता है, यानी क्रिस्टल के सरफेस की स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन्स के डिफ्रेक्शन की वजह से होती है। और एक्सरे क्या करता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है। और न्यूट्रॉन स्कैटरिंग क्या करता है, न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन, सॉरी न्यूट्रॉन डिफ्रेक्शन मैग्नेटिक स्ट्रक्चर, किसी सॉलिड का मैग्नेटिक स्ट्रक्चर कैसा होगा उसको क्या करता है, क्या करता है, यानी इज यूज टू डिटरमाइन द मैग्नेटिक स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियाई। और ये किस काम आता है, किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर की सरफेस मॉर्फोलॉजी कैसी उसको स्टडी कौन करता, आपके पास इलेक्ट्रॉन करता, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। चलिए यहां पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, चलिए ये दिख रहा है आपके पास क्वेश्चन, मैं एक मिनट दोबारा से पूछता हूँ आपके पास, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन यही है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि ब्रेक्स लॉ ऑफ डिफ्रेक्शन एक्सरे बाय क्रिस्टल इज प्लेन इज इन, ठीक है, तो कितना होता है, ब्रेक्स लॉ पूछा है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, 2d साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। चल चलिए इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, क्या कहा, स्पेसिंग बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल इज 2 एंगस्ट्रॉम, क्या दे रखा है, स्पेसिंग दे रखी है, डी की वैल्यू कितनी, स्पेसिंग का मतलब समझते हैं आप क्या है, स्पेसिंग मतलब वही प्लेन्स के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 2 एंगस्ट्रॉम दे रखी है, ठीक है, 2 एंगस्ट्रॉम। और क्या रखा, इट इज फाउंड दैट फर्स्ट ऑर्डर ब्रेक्स रिफ्लेक्शन, यानी फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो एन की वैल्यू 1, ठीक है, क्या बोला है,
फर्स्ट ऑर्डर बोला है तो n की वैल्यू 1 होगी। अब कहा है रिफ्लेक्टेड एट बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे अकर्स एट एंगल, यानी थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 60 30 डिग्री, द वेव लेंथ इतना, लैम्डा दे रखा कि लैम्डा क्या होगा आपके पास, सिंपल बोला। ठीक है, हिंदी में भी पढ़ लीजिए, दो मुख्य समतलों के मध्य दूरी यानी इंटरप्लेनर स्पेस, तो ये कितना हो जाता है 2d sin थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। 2d की वैल्यू कितनी है 2 एंगस्ट्रॉम, साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री, एन मतलब 1, फर्स्ट ऑर्डर बोला है, लैम्डा तो यहां से कर लोगे ये 4 10 टू द पावर -10 आप जानते हैं एंगस्ट्रॉम, यहां साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 ही होती है बिल्कुल, यहां से कितना हो जाएगा लैम्डा, ये 2 एक कैंसिल हो गया तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, कितने आ जाएगा 2 into 2 angstrom इज द करेक्ट आंसर, 2 angstrom का ये आंसर है बिल्कुल, 2 angstrom इज द करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा आपके पास 2 angstrom करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी स्पीड कम करके देख लेना, ठीक है अगर बहुत तेज लग रहा है, ठीक है ठीक है। इस प्रकार से लगभग ऑलमोस्ट पूरा कोर्स आपके पास अवेलेबल है, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए आप इसको भी कर सकते हैं, इससे पहले हम एक और क्वेश्चन करते हैं देन इसको इस पर आते हैं, ठीक। चलिए ये आपके पास लेक्चरर 2018 में आया था UKPSC, ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है UKPSC 2018 में आया था, ठीक है। क्या कहा आपसे, कहा है कि एक्सरे आर यूज डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, बिल्कुल ठीक है, बिकॉज क्यों किया गया है, क्यों ऐसा होता है, क्यों, एक्सरे नॉट हार्मफुल, एक्सरे हार्मफुल नहीं होती, दूसरा कह रहा है वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मैच विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ठीक है विद मैच इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल, तीसरा कह रहा है ब्रेक्स कंडीशन इज सेटिस्फाइड द एक्सरे ओनली, बिल्कुल ये कह रहा है, फोर्थ कह रहा है नन ऑफ दीज, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपके पास, पहला ऑप्शन कह रहा है कि एक्सरे हार्मफुल नहीं है इसीलिए हम किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर को वो क्या दे देते हैं हम डिटेक्ट कर पाते हैं, एक्सरे यूज करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर, क्या है एक्सरे आर यूज टू डिटेक्ट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल, क्यों, क्योंकि कह रहे हैं एक्सरे हार्मफुल नहीं है, दूसरा कह रहा है एक्सरे क्या है आपके पास वेवलेंथ ऑफ एक्सरे मैच विद इंटरप्लेनर स्पेसिंग ऑफ क्रिस्टल उसके प्लेनर के साथ, ये इंटरव्यू में बहुत बार पूछा जाता है। थर्ड है ब्रेक्स कंडीशन को एक्सरे के लिए सेटिस्फाइड है, ऐसा नहीं है, ठीक है तो क्या है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बी, अभी तो पढ़ा हमने कि लैम्डा जो है आपके पास, क्या पढ़ा था हमने कि लैम्डा क्या है आपके पास लेस देन 2 नैनो, तो किसके साथ मैच करता इंटरप्लेनर स्पेसिंग के साथ, ठीक है किसके साथ मैच करता इंटरप्लेन, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है चलिए इसका नेक्स्ट। हाँ ये आपके पास लेक्चरर आपके पास कब आया था, ये आया था आपके पास UKPSC यानी लेक्चरर 2021 में, ठीक है बताइए इसको, बताइए जल्दी से, ये आपके लिए हम पॉज कर लीजिए जल्दी से, क्या है क्वेश्चन, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम फॉल ऑन, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम फॉल ऑन अ क्रिस्टल सरफेस, डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी फॉर्म्ड इफ बीम फॉल ऑन, क्या हो जाएगा
बीम इज फॉल ऑन किस पे? मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बीम फॉल ऑन द क्रिस्टल सरफेस। डिफ्रेक्शन पैटर्न क्या? डिफ्रेक्शन पैटर्न विल बी फॉर्म्ड इफ, क्या होगा? तभी फॉर्म्ड होंगे इफ नॉर्मल टू द सरफेस, पैरेलल टू द सरफेस या एट पर्टिकुलर एंगल ऑफ द सरफेस, नन ऑफ दीज। तो पैरेलल बोला नहीं, नॉर्मल बोला नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल जिसको क्या बोलते हैं, ब्रेक्स एंगल। ऐसे क्वेश्चन आपके पास यूकेपीएससी में आए, ठीक है? ऐसे क्वेश्चन क्या है आपके पास यूकेपीएससी में आए हुए हैं, ठीक है? क्लियर है? चलिए नेक्स्ट है आपके पास, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो ये हमारे पास क्लियर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, वैसे तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है? द पोटेंशियल थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन शुड बी एक्सेलरेटेड, जिसके थ्रू पोटेंशियल एक्सेलरेट होता है, ठीक है, इज गिवन टू एसोसिएटेड विद डी ब्रोगली, ठीक है, डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ। वो पोटेंशियल बताइए, लिखा है 0.1 nm के तरंग दैर्ध्य को उत्पन्न करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जिस विभव से त्वरित करता है वो विभव कितना होगा? तो यहां पर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? मैंने पढ़ा है कि लैम्डा इक्वल टू कितना, 12.25 एंगस्ट्रॉम बाय रूट बी। यहां से वी क्या है, यही तो चाहिए आपको, रूट बी इक्वल टू कितना, 12.52 एंगस्ट्रॉम बटे कितना, 0. कितना बोल रखा है, 0.1 nm, मतलब 10 नैनो क्या है, nm मतलब नैनो, ठीक है? तो नैनो का मतलब क्या होता है, 10 to the power 9, ठीक है? तो रूट वी इक्वल टू कितना, 12 दशमलव, या आप ऐसा कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, इससे पहले सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? लैम्डा इक्वल टू कितना होता है, 150 बाय वी एंगस्ट्रॉम। तो यहां से क्या है, लैम्डा की वैल्यू रखेंगे, स्क्वायर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर, या कर लीजिए कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? अब यहां से क्या हो जाएगा, यहां से वी रूट बी ऊपर रख दीजिए, ये कितना, 12.25 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 to the power 10 मीटर, और गिवन है 0.1 10 टू दी पावर 9 मीटर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, रूट बी इक्वल टू कितना, 12.25, ये कितना हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, ये ऊपर कितना, 10 टू दी पावर कितना बच गया, देखिए कितना, -10 + 9, और ये भी तो ऊपर जाएगा 0.1, तो पॉइंट को हटाऊंगा जब मैं, तो यहां पर लगा लीजिए 10, 10 भी ऊपर चले गया, तो कितना हो गया, ये तो जीरो हो जाएगा, फिर रूट बी इक्वल टू कितना, 12.25, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो कितना, वी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना, मैच कर लीजिए, ठीक है, कर लोगे, अब स्क्वायर रूट ले लोगे ना, सॉल्व कर लोगे, आपके पास आंसर मिल जाएगा, ठीक है? चलिए, तो नेक्स्ट है आपके पास, इसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास वो है एटॉमिक स्कैटरिंग फैक्टर, ठीक है? तो करते हैं, चलिए, ठीक है?